सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। और नाम जो है वाहेगुरु के अंडर है। वाहेगुरु जो है वो जिसको तर्पण क्या है ना, जो इष्टमान रखा है ना, उसके लिए क्या है। सिखी धर्म में ये गया गुरु नानक देव, सतनाम श्री वाहेगुरु। तो अभी हम ये शुरू करते हैं कि सतनाम क्या है, वो सत क्या है, असत क्या है। तो इसको समझाने के लिए आदिकाल से हमारे ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, पंडित, पुरोहित, नाथ इत्यादि बहुत से हुए, हर एक की बात समझाते हैं सब कि तुम कैसे रहो, इस तुम सुखी रहो। और वो इससे जैसे उन्हें समझी वैसे कही है, ये नहीं कि वो सब ट्रुथ पर पहुँचे, जैसे उन्हें समझा इससे है, इससे आदमी को शांति में इससे सुखी रह सकता है। तो कैसे आदमी सुखी रह सकता है इस दुनिया में, उसकी शैली बताई है उन्होंने, ढंग बताया है, तरीका बताया है, पर बताया कैसे, जैसे उन्हें समझा। और बताया भी कैसे है, अपनी भाषा अपनी शैली में, अपनी जो शैली है ना उसके अंदर बताया, जो कहने का ढंग होता है ना, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग स्टाइल, उसमें बताया सब। और वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उनको वही भाषा आती, वो बोली आती। तो बात ये थी कि अब जैसे पंडित फकीर से कहता है कि इसके बाद मैं चला गया गुरु के पास चला गया, तो गुरु ने किता क्या, वो सवाल करते अपना बताते किता क्या। अच्छी पहले मन के मंडल पड़सी के रूप को, राम को किस रूप को मानते थे, और उन्होंने क्या सारा ध्यान कर दो मन के मंडल पर आगे, ये सच्चाई बताई नहीं। मन के मंडल पर पहले सिर्फ ही कहता मेरा ध्यान कर दिया, ध्यान कर मेरा ध्यान कर दिया, अगर ध्यान तो पर ही करते थे। राम कृष्ण उठा रखा था, मन ठहरा हुआ था बिल्कुल, तो बोले उन्हें किता क्या, सच्चाई नहीं दसी, सच्चाई जो थी वो नहीं दसी। वो ये नहीं दसी कि तू करता है तेरे तो बोलाता है, कोई बार से राम कृष्ण नहीं आता, कोई बार से कुछ नहीं आता, तो ये बात बताई नहीं उन्होंने। और बार बार का तुम्हारा मुझे वो बताओ, राधा स्वामी फिर क्या बताता आपका, आपका राधा स्वामी फिर ने क्या बताया है, वो क्या बताया, वो चीज़ बताओ। तो सिद्धि कहीं नहीं, पूरी उम्र उन्होंने सेवा करी, खाना बनाया, ये बनाया, वो बनाया, और खूब और कहते थे तो वो बेदमी कहते थे। इसी तरह टॉप का सबसे गुरु कबीर को सबसे बड़ा ऊंचा स्वीकार करते हैं, कबीर जैसे एक भी नहीं है। लेकिन अब देखते हैं तो कबीर ने क्या करे, आप सीधी बात उनने भी नहीं कही, जो बात थी सच्ची बात उसने नहीं उठाई, उन्हें क्या बताया, वो बताते नहीं गए, ये जो दुनिया ये सब ऐसा है, वो न्यारा जो भेद बताया आप, कबीरा देश वे न्यारा, जान धरनी आकाशा, पवन नहीं पानी वहाँ, जमीन आकाश कुछ नहीं है, वहाँ पर गवकाल की नहीं है, मतलब मन बदलता नहीं बार बार, एक ही जगह रहता है, और वहाँ पर ये नहीं है, नहीं धनिया का सा करे कोई संत वहाँ वासा, करे कोई संत वहाँ वासा, वो रहे अब। और वो ऐसे बताता वहाँ पवन नहीं पानी, गए वो देश बिन जानी, ऐसे करके वो बात तो अभी को आटा लगाता रहे, हर आखिर तक आटा लगाता रहा, हर आखिर जो कहते 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 फिर गए, गए वो देश बिन जानी, मैं गया हूँ तो मैं जानता हूँ वहाँ पर क्या है, नहीं ज़मीन है, नहीं आसमान है, नहीं और है। तो ये बात फकीर से ये बात भी कही है, ये कहता अधिक समय में बेहोशी में रहता, अधिक समय में बेहोशी में रहता, और जब होश से भी जाता हूँ तो सोचता तू की करता है, तू करता की है, तो करना क्या सी, हर आदमी अलग अलग मिशन लेके आता है, अलग अलग काम दे के आता है, और वो काम करता है। तो जब होश आ जाता हूँ तब मैं ये काम करता हूँ, जो आई सत्संग देता हूँ आपको बताता हूँ, होश में आता हूँ, कह दिया होश में तो सब बात कर दी, एक बेहोशी का तो मैं हमेशा व्यवसाय में रहता हूँ, मैं व्यवसाय का मतलब मैं कुछ नहीं सोचता हूँ, उसे चला देता हूँ, हर वही बात में कहते हर दिन भर में ज़्यादातर उसमें रहता हूँ, वो नाव के साथ नेट रहता हूँ, नाव के साथ नेट रहता हूँ। अब नाव को बता नहीं सकता वो क्या है, तो उसको तो वॉइस है, एक ध्वनि है,
नाम धुनात्मक है, और सीधे तरीके की बात होगी। और उन्होंने जो कबीर साहब ने कहा वो सब कुछ कह करके गए वो देश से निंदानी, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं, जीरो है। तो भाई बात सीधी कह सकता मैं बेहोशी में रहता हूँ, होश नहीं देता मेरे को, बात तो वह है। तो बेहोशी में क्या है, बेहोशी में जो नहीं बता सकते आप। तो मैं सवाल करें किसी करे है मेरे पास सवाल, ये पता नहीं किसने करे, क्या वो तो आप बेहोशी बताते हो ना, वहाँ पर क्या आप अनुभव करते हो, आपको तो जीवित मुक्त रहता हूँ, कोई अटैचमेंट नहीं मेरे, नहीं तो घरेलू संबंधी कोई अटैचमेंट नहीं, दुनिया का अटैचमेंट नहीं है, परिवार का कोई अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि निश्चय हो गया कि कुछ मेरे साथ नहीं जाने वाला है। और दूसरा जानते हो गए पैसे पैसे का भी जाऊँगा तो साथ नहीं जाएगा, कुछ जितने अटैचमेंट है दुनिया के, इस दुनिया में यहाँ पर ख्याल में ऊपर के लोगों में अटैचमेंट, वो अटैचमेंट सब डिटैच हो गया, सब मान्यता है, तो सत्ता ही नहीं है। तो सत्ता ही है क्या, सत्ता ही वहाँ पर क्या कहता है, कोई कहता है अकह अपार अगाध नामी, वो कहने की बात आती नहीं है, और बात ये कह दी तो फिर वो किसी ने सवाल कर दिया मेरे पर कि आप उसे क्या महसूस करते हो, उस वक्त मेरे पास कोई शब्द नहीं था, मैं नहीं कर रहा था तो कोई शब्द नहीं था कहने के लिए, टेक्निकल वर्ड नहीं था। तो मैं कह यार जोरों जोर करते हैं ना इसको, और हम चर्चा नहीं करिए, बट फकीर सिंह जरूर करिए, ज़्यादा जोर नहीं दिया उन भी इसके ऊपर बेहोशी में। तो वो जो वो बात थी फिर मैं तेरे एग्जाम्पल दे दी वैसे, और उस एग्जाम्पल ने एक आदमी पढ़ा, मेरा ही आदमी है, और उसने सुनी वह बात तो सुना दी, सुनी पूरा सुना को नहीं, आधा कर लगा सुन लिया कि तुम तो बेहोशी में कहाँ जाते हो, गरीब नींद में जाते हो। तो सोचा नींद में गरीब जाता है उसको मर जाता, नींद में उठा नहीं आता, मतलब बेहोशी में जाता वो, पर वो बेहोशी वो नहीं है, बाकी योग की व्यवस्था है, क्योंकि तेरे पास क्या सबूत है कि तुम वहाँ जाता है, जब तू वहाँ जाने मर गया, बोले मैं मर गया था एक दिन, और मरने के बाद इसका अनुभव कराया, अब ये बिल्कुल झूठ बात है, मर गया तो खत्म हो गया, फिर बात ही नहीं। आज तक किसी से बताया हो जो तो बताता कि फलाने संत गया, वो गया, वो मरने के बाद आया और बोले ऐसे ऐसे हो गया, आज तक जानो जो जो मरिया उसके बाद में आके कुछ, तेरे मरने के बाद जो अनुभव है वो झूठा है, क्यों तो बताया था अच्छे उठा के, अब तो कभी जिंदा हो गया या बात है तो मर की दिखा भी, फटाफट जाएंगे खबर में जाएंगे नहीं, कितनी देर रखें तेरे को, मर जाते फिर रखें उठा के जाए फूक्या मैं, और वो कभी आ, अब कभी उस द्वारा आवे तो वो क्या चीज़ आता, वो पिछला जो संस्कार है वो डेवलप हो गया, पैदा कौन करता, तू करते हो उसको, वो नहीं आता है, तुम्हारा मन में ताकत है कि तू इसकी यादाश करी ध्यान हो लिया, और सामने जाता कहता ये करो, मैं ये कह रहा ये करे ये करे, वो आगे बताता। तो जो मरने के बाद जो बताता है वो तो आपका मन ही बताता है, तो इंप्रेशन से जैसे पड़े, तो अभी वो नकल करते हैं उसकी बात पूरी समझी को नहीं, मेरे पास समझ कौन था तो मैं उसको समझाया भाई उधर तुम क्या करते हो, लेकिन ये प्राकृतिक है, ये कमाई ये नहीं है, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक समाधि प्रकृति तरह का ही है। और जो चला गया तो कहता मर गया, मरने के बाद क्या करेगा, जो बेहोशी में प्राण छोड़े हैं तो बेहोशी के अंदर तो पर ही गया हुआ, उसने बताया था नहीं वापस आगे, और न उसने बेहोशी करके द्वारा होश करके बताया, क्योंकि ये चीज़ है वो तो प्राकृतिक है, वो करता रोज ये रोज जाता गुजरता ही नहीं उसकी, तो सबसे बड़ी बात है वो तो अनुभव बताया कि तुम लोग वहाँ क्या सोचते होता हो, क्या देखते हो, बोले वहाँ तो कुछ नहीं देखते। तो इसके लिए गुरु नानक देव ने ये बात कही कि इसके आगे नहीं विचार, बेहोशी का अगर कोई विचार नहीं, इसके आगे नहीं विचार, नानक गुरु पूरे नमस्कार के पूरे गुरु ने आवाज समझाई मेरे को, समझा ना। तो ये जितना जो कुछ कहा गया वो सभी ठीक था उनकी तरह, हम उसको कंडम नहीं करते, पर उनने या तो इसका पता नहीं भेज नहीं था, या पता था बताया तो इस तरह बताया कि वहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ तो कुछ रह के बेहोशी है, वहाँ एक शब्द में बेहोशी बता दी जाए कि वहाँ पर भी बेहोशी है, तो बात समझ आता, इतने लगाया गया रात भी नहीं, फून और पानी भी नहीं है, वहाँ पर ये 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 भी नहीं है,
ये बताई फिर आखिर कि वो देश तीन दाणी और उसके सूरत का खेल ही से आए कि सूरत का खेल आता ना अब दुनिया खेल को पता नहीं क्या सूरत समझेंगे। सूरत का खेल जिसे आए और गए देश वो दाणी अब सीधी करें तभी बेहोशी है वहाँ बेहोशी है और वह बेहोशी कर मेरे पास समझ नहीं था तुम नया समझता है कि तुम बगैर नहीं जाएगी क्या होता तुम्हारे साथ कुछ दर्द है कुछ इसी की तकलीफ और प्रॉब्लम थे सो सोने से पहले इतनी थे कि क्या करूँ मैंने इतना फायदा हुआ था कि क्या करूँ उसका पैसे देने ये पैसे भी नहीं है ब्याह है मंडी गया फलानी चीज़ होगी ये चीज़ तैयार भी नहीं है ये चीज़ मतलब घबराया सो रहा फैले हुआ मैंने समझ गया और वो मैंने एकदम इकट्ठा होया और उस व्यवस्थी में गया बात करता किसी देर जितनी देर उसमें रहता है तो ये कमाई जितने रह गए तो उस व्यवस्थी में रहेगा यहाँ आने के बाद क्या होगा यहाँ आने के बाद यहाँ क्या लगेगी बस रहेगा तो इससे बचने के लिए आवाज़ क्या है कि वो एक इष्ट को सामने रखो फिर से कहता बोले उधर करने की जरूरत ही आखिरी चीज़ बताते हैं कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं करेंगे सब छोड़ दो कोई ज़रूरत नहीं आपको गुरु गुरु का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर और वो उसके साथ रह गए तो तुम उधर जाओ तो सुनो रहा कहता तो साहब फिर गुरु का ध्यान नहीं करना चाहिए केवल जोर ही गुरु के ध्यान पर दिया गया और फट होश आया उन्होंने बोले नहीं नहीं ये नहीं करना ये तो वहाँ की बता रहा हूँ आखिरी जगह की आखिर बताता हूँ ना इसे नहीं चाहता हूँ मेरे रहता है मैं नहीं चाहता हूँ दुनिया असर होता है मेरे पर तो महाराज का रूप मेरे सामने रहता है यहाँ आने पर रह नहीं सकता तो इष्ट बना रहे हो ये टेक्निक है तरीका है भाई इस देश में तो जरूरी है कोई कहते जी भी इच्छा का तो कल फिर सवाल था गया कहीं इच्छा का तो कोई अंत नहीं आता एक खत्म हुई दूसरी आ जाती है दूसरी आ जाती है चौथी आ जाती है तो फिर तो वहाँ कैसे जाएंगे आप कहते इच्छा मत करो नहीं इच्छा मत करो इच्छा और वो इच्छा का अंत होता ही नहीं है तो मैं कहा ठीक है इस श्लोक में इच्छा का है जितना इसमें जीता इच्छा रख अगर इच्छा नहीं रखा कुछ नहीं मिलेगा इच्छा रख क्या चीज कि मैं जब तक रहता हूँ मेरे पास कोई चीज़ का अभाव नहीं मैं जब तक जीता हूँ शरीर में मेरा भाव न रहे तो तेरी इच्छा से तेरा भाव नहीं रहेगा तो सोचेगा वही चीज़ सामने होगी जब तेरा सब चीज़ होगी उसके बाद वो इच्छा छोड़नी है पहले इच्छा छोड़ देगा तो भूख मरेगा और उदाहरण देता हूँ उसका एक वाहन है बगीचे थे होशियारपुर में भीलवाड़े में बगीता गीता थी बगीता एक दिन बैठा सत्य होया सत्य होने के बाद में सबके सब चले गए आके मेरे सर रखी ओडा में रोने लगी हो रोना वो क्या बात है गीता मैं बहुत दुखी हूँ तू तो लोगों को सत्य देती है तेरे क्या दुख है बोले महाराज जी मेरा दुख है बाकी सेठानी जो है ना कोई आता है उसको चुनड़ी देते हैं ये देते हैं सावन देते हैं पैसे देते हैं और मेरे पास देने के लिए है नहीं तेरे पास नहीं है देने के लिए बोले मेरे पास कुछ नहीं देने के क्यों कारण क्या है बोले मैं फिर सोचा तू ये बता तू इतना दिन सतर के साथ रही तो क्या सोचती रही यह बता मैं जानना चाहता मैंने पता नहीं था कि क्यों इसी ये हालत हुई बोले मैं ये चाहती थी महाराज हमेशा कि प्रभु ऐसे मेरे बेटे जैसे बाकी पास है गाड़ी घोड़ा वो लेते नहीं लेके आते हैं पावर मैं तो काम चलाने के लिए उनके पास कमाने का पैसे का ढंग है तो वो चाहती हूँ गाड़ी घोड़ा सब कुछ मेरे लड़कों के पास है मैंने कुछ नहीं चाहिए मैंने कुछ नहीं चाहिए मैं तो सब लड़कों के पास सब कुछ हो जाए मैं चेता हूँ तो फिर तो रो क्यों फिर अब क्या देगा बोले लड़कों के पास सब कुछ है महाराज अच्छा बिजनेस है कारोबार दो लड़के थे तो क्या बात है बोले मेरे दर्द मेरा कोई देगा कोई मांगो बात को नहीं मैंने कोई आई कोई देगा मांगे नहीं अपनी पत्नी को देते हैं अपने बैंक वाले से रख देते हैं और मेरे हाथ में कुछ होता नहीं तो मैं पूछा हूँ क्यों तू सोचती क्या रही बोले सोचती ये रहेगा इन लड़कों के पास सब कुछ हो जा मुझे कुछ नहीं चाहिए तो तू चाहती वो तो तेरी होगी फिर थोड़ी ये थोड़ी चाहिए तो यही था मन कुछ चली चाहिए लड़कों पास सब कुछ हो जाए सब कुछ है गाड़ी घोड़ा दुकान वकान सब कुछ आठ चौखा बिजनेस है पर मेरे को पैसे नहीं देते शेर जी काम करते थे थोड़ा सा बड़ा का तो उसको छुड़ा दिया कि वो बड़ा बड़ा काम करते हैं ना बड़े व्यापारी बन गए
तो बोले शेर जी करते थे उसी सुनाते बाबू जी हमें सर शर्म आती है, आप छोटी दुकान बैठे साले काम करते इनको छोड़ दो। अब उनका काम करता था 20-30 रुपया रोजगार आ जाता था, फिर पचास आ जाता था पैसे, तो पैसे रहते थे। अब वो काम नहीं करता था कहाँ से पैसे आएंगे, शेर जी बात कुछ है कोई नहीं है दुख। फिर हम सोचा यह दुखी है तरीका होता है। एक दो दिन के बाद मुझे बैठा था मैं तो उसका छोटा लगा बोले महाराज जी मेरे को आशीर्वाद दो, मैं नई चीज़ दी है एजेंसी, नई एजेंसी दी मेरे को काफ़ी कमाई हो। अरे भाई एक बात आशीर्वाद में दे दूँ, बोले की बताओ। मगर तू ऐसे करके भाई तेरी माँ का शेर रख दे आधा, चलो आधा आधा रख दे, आधा तेरा प्रॉफिट आधा तेरी माँ का जो हो तो जो इनकम हो तेरी उसके अंदर आधी माँ को दी, जो तो मैं आशीर्वाद दे दूँ नहीं तो मैं आशीर्वाद निर्वाद बोले ऐसे कटूँगा। अरे तू तो पूरा मूड कम तू खर्च करेगा उसको तो शेयर में जो कुछ मिलेगा ना मतलब लाभ जो होगा लाभ का आधा देगा वो ठीक है। शेर जी बोला उन दिनों की बात है या उस दिन की बात होगी। शेर जी बोला शेर जी ऐसे करो वो क्या करते आजकल कुछ काम को नहीं करो, लड़का कह शर्मा हुआ है दुकान है दुकान में दीदी के ना मेरे पास है दुकान तो मेरे पास है मैं काम बंद कर दी वो फिर आपका टाइम को नहीं कटे दिन में बैठे रहते हो यहाँ पर क्या काम करते हो तो आपका मन लग गया रहता था आप वो काम करो, मन लग गया रहा सारे दिन जाना है दुकान जाना है फिर आ जाना है नहाना धोना जाना तो दुकान का काम करो वो काम आखिर तक करो सही रोटी खाओ ना वो कमा के खाओ हिम्मत भी आने लिखे का आप काम छोड़ दो या तो आप घर उखाड़ो फिर उखाड़े तो उखाड़ने बहुत है तो आप ऐसे करो काम करो बड़े हो तो फिर फिर करना शुरू कर दो वो ठीक है। अब शेर जी ने काम करना शुरू कर दिया। अब मैं जाता था ये था उठाई थी ले मैं तेरे को दूँ सब लड़का देता था तो उस पैसे देते थे दो चार साल के बाद हमेशा खुश थे। ये टेक्निक था गुरु तेरा अल्ट पल्ट स्वार है जो गुरु है का अल्ट पल्ट स्वार था क्योंकि उसको पता है इसकी यह तकलीफ है कारण ये इसका इलाज ये तो वो उनको देख करके घर के वहीं घर बात बता दी मैं कुछ नहीं दिया उसको। और फिर बाद में बोले गीता आजकल तुम मालदार बन गए थे दिए हमने सर लीजिए से थे दी है आपकी कृपा से तेरा सर मिल गया आपकी कृपा से समझा कि बात तुमने बताया कि तू इच्छा करेंगे वो है इच्छा का लोग है ये इसकी मिसाल दी कि वो इच्छा का लोग है उसने इच्छा छोड़ दी थी तो तू कहता इच्छा रहती इच्छा जब तक लोग मानते हो अरे भाव तब तुम इच्छा पूरी करो अगर इच्छा पूरी नहीं होती किसका ध्यान करोगा जब तू ध्यान करो तो तुम्हारा सामने आ जाएगी अच्छी चीज़ होनी अच्छी होनी चाहिए तो इच्छा बड़ी पूरी कर लो। अरे वो टेक्निक दूसरा क्या करेगा डॉक्टर कमला कहती है उसी को भाई बाजू मैं कहता हूँ डॉक्टर कमला कहती पहले इस लोग को सुवारो इस लोग को अच्छा बना लो तो फिर आगे की कमाई है वह ये बार बार सत्संग कहती पहले इस लोग को बना लो ये लोग तुम्हारा अच्छा हो जाता ना फिर आगे की कमाई है वह ये लोग सुखी पर लोक सोले आता नहीं किताब लिखी है ना लोग सुखी पर लोक सोले इस लोक में जो सुखी हैं वो परलोक में जा सकते हैं। उस बात को समझाने के लिए गीतावली को मैंने उस तरह से बताया और वो असलियत यह है कि लोग तो पहली इच्छा खत्म नहीं होनी चाहिए इच्छा कब खत्म हो पूरी होगी तब आगे जाओगे और इच्छा नहीं है तो ठीक है इच्छा लोग कह रहे कहे खत्म नहीं होती है तो इच्छा और ये समझाना ये समझाइए गुरु ने इच्छा कभी खत्म नहीं होगी भाई वो तो बनी रहेगी इच्छा इच्छा बनी रहेगी तो आगे हवा खाओ भाई आगे जा ही नहीं सकते आप पहले यहाँ सुखी हो। अरे किताब का नाम और क्यों रखा ग्रंथ साहब का समझे लोक सुखी पर लोक सोहेले नानक गुरु हर पर मेले कि इस लोक में सुखी है वो परलोक में सुखी होगा और गुरु जो कृपा करके वो हर हर पर्व दोनों मेल देता है हर के बारे में बता देता है हर पर्व के बारे में बता देंगे गुरु हर पर्व दोनों सवाल लोक सुखी पर लोक सोहेले नानक गुरु हर पर्व मेले गुरु मिलाता है इस बात को हर को हर को हाई समझ हर पर्व अलग थोड़े जो नहीं हर पर्व का मतलब वही है कि हर जो है वो गुरु जो है वो हर पर्व हर के ये कह देता है इसको प्रभु कह देता है उसको वो मिलता है वो बताता है कि ये है वो
और वो है कहाँ पर जा करके, वो तरीका बता दिया। वो कवि साहब कहता वे वो देश चिन्ह जानी, वो जानी वो जानी वो जानी, और वो बात पर फिर से कहता देख समय तो मैं बेहोशी में रहता हूँ, और जब होश आता कभी कभी तब ये काम करता, तब ये काम करता हूँ। अब अभी बात तो बता दी उन्होंने, उसमें रहता हूँ तो बेहोशी में क्या सोच रहा है, जीव तो मुक्त जीते जिंदगी है जीता है, और वो उसके साथ रहता मुक्त रहता। कितनी बार बेहोशी में रहता है, इतनी बार थोड़ा मुक्त बेहोशी में नहीं रह सकता। इसे मैंने कह गया जब तो नीचे श्लोक में आते उसका असर होता है, तो मैं नहीं गुरु को छोड़ना नहीं, वो बता रहे कि गुरु को पहले बताता ना वहाँ पर गुरु बारे को छोड़ दो, धर्मराज चित्र का तोड़ दो तब तुम मर जाओगा। तो ये तो उस साल की बात है कि जब आप साधना करते हो उस वक्त अगर अंत समय पर वह चीज़ आ जाएगी तो वापस नहीं आओ। लेकिन इस लोक में जब तक जीते होते तो क्या करना है, वो कहते हैं कि गुरु को छोड़ना, उस ज्ञान को छोड़ना नहीं है, और वो ज्ञान फिर इस लोक में आते तो और रूप आ जाए सामने, रूप आ जाए सामने, तो इधर उधर मन नहीं दौड़ता, मन एकाग्र रहता। मन के एकाग्र में तो आत्म सुखी है, और मन के फैल जाना दुख। तो योग है क्या कि मन को इकट्ठा कर दिया जाए। अब इकट्ठा करने के तरीके अलग अलग हैं। अब जो वो बता रहे थे मेरे साधन बताओ, तो साधन बता दिए। साधन तो ये भी ऐसे देखो डॉक्टर कमला जी ऐसे बैठते हैं, यह तो मेरा ही बात, और गरीब है बात कठे बैठते। मैं साधारण आदमी था, नौकरी करता था, तो मेरे सीधी बख्शिश कर दी कि बेचारे ये कर तो सकता नहीं, तो सहज भी चलते फिरते खाते पीते। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे उसी में जुड़ा, मैं कहता हूँ हमेशा नेट रहता उसका मतलब ये उसको होता है, उसको होता है तुम्हें, और फिर उनको क्या होता है। मैं कहता हूँ सोच समझे स्वर तरीका बता दूँगे, सर्वशास्त्र तरीका बता दूँ इसका कि ज्ञान ज्ञान लो पर ही, तो ज्ञान अलग लोगे लेकिन फिर अनु अलग करोगे। वो ज्ञान लेते रहते तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाएगा, पढ़ते हुए तुम्हारा दो साधन हो जाएगा, नहीं तो दिमाग जोर पड़ेगा तो पागल हो जाओ। क्यों चौथा रखेगा दिमाग में चीज है मन इधर इधर जाओ इधर जाओ, तो मन की अवस्था बिगड़ी जाती है, चंचल हो जाता है, बीस काम में लाग जाता है इधर उधर इस तरह से। और अगर वो एक ही बात को समझता है कि उसी को करेता गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। फिर बताया नाम के रंग में रंग जा मेरे सुधाम ने सर, तो नाम क्या चीज़ है, नाम रहे चौथे पदमाए ये ढूंढे चलो क्यों, ये तरीके हैं सर। तो आपको सार चीज़ बताता हूँ, सार चीज़ बात क्या है, वो बेहोशी है। सीधा किसी ने कहा नहीं, सीधा तो कहा तो एक आदमी कहा उसकी बात को कौन कदर करता है, और आज काल में चाहता है प्रूव इट, क्या चाहता है बता कह किधर जाता है। अगर वो कहो किताब मन जैसे वो आजकल कौन होता वो होता था कौन कह गुरु महाराज मेरे को ऐसे लिया काक में अरे करके बच्चे ऐसे लिया फिर मेरा ज्ञान हो गया। तो बोले वो कौन सा ज्ञान, तो उन्होंने बता तो वो कौन सा ज्ञान यार तू ऐसे लिया, वही मैं गया पहले दिन मेरे को नाम मुख्यता अनुभव हो गया, तो उसकी नकल है वो नकल की होता मेरे ऐसे लिया बस वो ज्ञान हो गया मेरे। तो बोले मेरे को ऐसी कुछ चीज़ है काक में लोग ठीक है मन नहीं कर दे पाया, पहले मन नहीं दे वो ज्ञान मेरे को, दो तीन बार काक में दे मन नहीं दे, अब क्या बोले वो समझा नहीं। घरवाली को तो रोज काक में लिया जिसको भी ज्ञान हो गया होगा है, घरवाली को रोज काक में लिया उसको भी ज्ञान हो गया होगा। अब फिर वो फकीर सिंह जी कहता है वो बताता है इस तरह से कि मैंने ये ज्ञान देना चाहिए तो मेरे घरवाली नहीं देता, मेरे कराड़ी रोजाना बोले बात तीर मारती है मेरे पर बंदूक चलाती है ताना देती है मेरे चाची होता है उसको समझाता हूँ। वो आपने कहता बोले ऐसा संस्कार रहेगा जो करना ही वो करेगी, तो मैं बर्दाश्त करता हूँ कि भागवती दुख पाओगी तो ऐसे अमित कराएगी, हाथ जोड़ी कहता हूँ मुझे सुनती नहीं है। और आखिर बोले 7.5 साल चार पैर पड़ी रहे, चार पैर में पड़ी रही 7.5 साल बनी है दुख उसके सामने, इससे बड़ा और क्या दुख होगा। तो अपने घर का समय पड़ता हटा टू के नगा होकर बता देता है ये बात, तो ये पर संत है। इससे क्या होता है बताता है संतों की अर्थ, कोई संत या परम संत वो सामने था
अगर वो चाहता तो आप खुद कर सकता, आप घर वालों को नहीं बता सकते, वो अपना कर्म लेके आए वैसे भोगी वो, ये ज्ञान हो जाए फिर वो शिकायत खत्म हो जाती है। अब दुनिया वो बात कहता हूँ भाई, पहले तो मैं फौज में था तो फौज को सीधी करना चाहता था, मैं सारी फौज सीधी हो जाए, बड़ी कोशिश करी फौज सीधी नहीं हुई, फिर मैं ज्ञान लेके आया, मैं सोचा सत्यियाँ तो जरूर सीधा करूँगा मैं, तो सत्यों का कोशिश करी और सत्संग वहाँ का वहाँ है, मैं सीधा नहीं कर सकता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मैं सोचा तू सीधा हो जा, मैं सीधा हो गया, मैं तो सारी सीधी नजर आती कुटे डर नहीं आता, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग उठा के इसीलिए मैं कहता हूँ मीठी में, और बात भी सही है कि मेरे को दम होता है मेरा घराना कर देता है, आपको क्यों देता है ज्ञान, ज्ञान नहीं तो मुझे उसे देता पहले जो को रिंगा ना टाइटी को मार मेरे ज्ञान के, तो इसका मतलब मैं नहीं कर सकता उनको, तो मैं सीधा हो गया उधर, मैं सीधा हो गया कोई बात है तो ठीक है, और उनको ठीक नहीं कहूँगा तो रहना मुस्कर जाएगा उधर, तो आजकल मेरे को क्या समझ रहा है बाबू जी तो ऐसे ही हैं, बाबू जी का उस दिमाग में फर्क आ गया, बाबू जी का तो सारे लड़के सब इसी तरह समझते कि बाबू जी ऐसे, और बड़ा लड़का इस शैली में उसकी औरतें कहने की आप आए नहीं, वो फलाना लड़को नहीं आए, आप आए नहीं बापू जी आना चाहिए था, इस बार सेवा करी नहीं मेरी, तो उन्हें मैं सोची आप आ जाएंगे आप नहीं आए, और मेरे बच्चे और जानते वो जानते ही नहीं आपको दादा दादी को ये वो सुनोड़ देना है, मैं बोले तेरे पास ही तो था उनसे हमेशा पास ही हूँ, वो देने के लिए नहीं आए ना, वो देते ना अगर वो आशीर्वाद आप लड़की को हो रही हो, तो बड़ा लड़का कहता है बोले बापू जी उधर से सोच लेते हैं आशीर्वाद दे देते हैं, वहीं बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं, उसको बताओ उधर देते हैं ठीक हो जाता, अब ये ढंग समझेगा नहीं, तो क्या समझा था तो एम क्या होती मेरी कि वो जो बस सीधी बतानी थी किसी ने बताई नहीं, कभी सबसे टॉप का गुरु तो और का नाम छोड़ दिया मैंने, और टॉप के गुरु को पूरी उनकी चर्चा कर दी, और चीज और गुरुओं के नाम छोड़ दिया, दाता दादी वो जिनका देखे नहीं उनको, और वो कबीर जो है वो प्रकट है समझ गए, जो नाम देगा वो कबीर का नाम नहीं बोलेगा, कहिए कबीर सुनो भाई साधो, कहिए कबीर सुनो भाई साधो, तो उसने साधुओं को कहा है, साधुओं का नाम लिया सुनो भाई, जनता को नहीं बताया उसने, जो बताया वो जो बैठे थे ना उनके पास राज वो मर्म जानते थे उनको कहा है, और उनको सताई कही है फिर कही भाई समझ गया, उनमें जो कोई विद्वान था और बाकी कोई समझ नहीं आई, तो आज तक ये पंडित फकीर चाहिए कहता इन्हें कितना क्या जितने सी उठे रहे सही राम छुटाया सारे से कृष्ण ने छुटाया कि कुछ नहीं, और फिर आकर बोले मेरा ध्यान कर दिया कर वो भी उनका मंडल फिर दिया रोने की बात ही नहीं करी, ठीक है ना, और मैं सोचता हूँ बस की बात नहीं वही वही जो राम चलता क्या ये खेल है उसका, ये खेल में लेता होगा जो खेल है सब खेल समझोगा कि इस दुनिया में कुछ नहीं होता वही वो खेलता है, आपकी दृष्टि उसी उड़ जाएगी तो आश्चर्य नहीं करोगा, वो जैसे खेल है तो वो समझाएगा, उस आदमी बता रहा है ना कट्टर का पीछे लिखता ना वो आदमी कहता है कृष्ण करे तो खेल लीला और हम करें तो गुना, हम कर दिए हमारा पकड़ेदार ये करते हैं और गलत समझते हैं और कैसे कर दो लीला है सब कुछ करो कैसे ठीक है ना, तो यह लीला है उसकी, आज का बात समझा, तो मुख्य चीज़ क्या है कि इन लोगों ने पहले वो बात बताई नहीं, अब कलयुग में साफ बताई जाती है, अब जो बता रहे हैं वो बात सही बताता हूँ, पर क्योंकि नहीं एकला पड़ गया ना और बताया तो कोई बात को नहीं, और आज तक बताई आज तक इतनी बड़ी बात है राम के उसको मानते आ रहे हैं कि राम आता ये करता राम का भक्ति उसको मानते हैं तो उसकी मान्यता बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, पर उसके लिए ठीक है, जो राम को मानता है उसके लिए राम आएगा, जो मोहम्मद को मानता है उसके लिए मोहम्मद आएगा, वो बात तो ठीक है, लेकिन अज्ञान के अंदर वो मोहम्मद को मानता है और वो सोचता है कि मोहम्मद को मानता है वो तैयार होता है वो उसको अज्ञान है, तो आज का सत्संग क्या था सतनाम सच्चाई, तो सच्चाई अब तक बताई नहीं गई, और जब भी कहता हूँ ये अदब की बात है गुरु गौर करेगा ये काली बक्ता तो के सब ने सच्चाई कर दिया कहता हूँ कुछ ही आता नहीं राम आता ही मेरे बकवास करता पागल हो रही तो सदिया से बाहर बाप दादा मानता है सब दुनिया मानती है अरे ये पागल है, तो मंडल समझेगा कि नहीं
पकड़े कौन सुनोगे मेरी बात ये हर सच्चाई कहता हूँ सच्ची बात सदुला कहे सब के मन से उतरा रहे कौत के सच्ची बात सदुला कह रहा है तो वो सबके मन से उतरिया तो मैं सबके मन से उतरे डरा क्या बात कहता हूँ जो हिंदू है जो अच्छे धार्मिक है वो सोचते हैं बकवास कर रहे हैं क्या बोलता है आपको बात करनी है सब मानते राम को मंदिर कितने थे उन्होंने लाखों रुपये से लोग वगैरह में तो खर्च करते हैं अब मुझे उसको कॉन्ट नहीं करते और बात करता हूँ सच्ची तो ये हम लागू होता है सच्ची बात सदू ला कहे और सबके मन से होते रहे जो सच्चाई कहता है सबसे मन से बकवास करता है ये कला पड़ गया ना मैं कहता दो चार कहते तो जाता सब दो चार और कह देते नहीं ये बात ये तो ठीक बात है अब कहता कोई है नहीं सच्ची बात कह देता जब मेरे को सूझती है वो तो मेरे को टोटली भी क्यों कि वो कोई बात है जो है वो रखता नहीं और नहीं रखता हूँ उसको गड़बड़ जाती अब तेरी देखो बात होती है तेरी जो तेरे हक में बात करी तो राजी है और सच्ची बात कर दूँ जो कमजोरी देखूँ इसके बाद होता हूँ कौन बताएगा तेरे को दूसरा बताएगा नहीं और मैं तेरा देती हूँ मैं तेरा सच्चाई बताता हूँ ये बात तो तू तो बकवास करता है खाऊंगा तेरे हकम को तो राजी और अन्य को तो नाराज तो सच्ची बात होगी वह हकम है कि तेरे बता मैं यार ये काम कर त्यौहार दे और तेरे काले से लग दिया भाया मैं देख रहा हूँ उसकी मगर यार काले से लगा लगी तेरे से तो कह मैं भी तो देख क्या सब चाहिए देखता काले से उतार देगा और नहीं करेगा बोले बकवास करता है अब तुम चेहरा देख के आए हूँ साफ था बिल्कुल और वही हाथ उतला गया काले समझा कि नहीं तो ये बात है समझिए पूरी बात है नहीं कि सच्चाई ये है सीधी बात करना और सीधी बात जो कहता वो अच्छा नहीं लगेगा तो ये बात जो कही गई है या अब जो अलग कहता हूँ सत्संग अलग कराता हूँ जो नहीं महात्मा कराते जार महात्मा बोलते हैं अब बात कोई कहता है कि मैं नहीं जाता हूँ और कोई कुछ बार आता ही नहीं बाहर से कुछ आता तुम पता करते हो तो सत्य तुम्हारे अंदर है बड़ी कितनी सच्ची बात कर रहा हूँ और इस बात को थोड़ा नहीं करूँगा मेरे में कहाँ सच्चाई ये सच्चाई कहता है मेरे में मम्मी क्या हो मेरे तो कुछ नहीं मेरा तो गुजारा ही नहीं था रोटी पानी का और ये कहता तेरे भगवान सब हो सकती है और मैं कहता हूँ किस में तुम्हारे विचार में शक्ति है वो ईश्वरीय शक्ति जो है आपके विचार में आपके संकल्प में जैसे सोचोगे वैसे हो जाए बहुत साफ बात है और बहुत साफ वक्त कोई कुछ जाता नहीं है मैं जब नहीं जाता हूँ तो मैं सच्ची बताऊँगा और यह बात कितने का आदमी कहते हैं कि कुछ जो भी अंदर देखते हो वो कुछ सच्चाई नहीं है वो तुम जैसे मानते हो तुम्हारी मान्यता है तुम पैदा कर लेते हो उसको तुम राम को कृष्ण को देवी को पैदा करने वाले तुम हो कोई देवी नहीं है कुछ नहीं है राम रहीम करीम ने कैसो कुछ नहीं था सो था जो कुछ था सो अब के बाखों उन मन सुन विश्वास ही राखूँ जो कुछ था सा भी कहूँगा क्या कि बेहोशी में चला जाता बेहोशी तो क्या बेहोशी है वो परमात्मा है उसको कोई विचार और कुछ नहीं वो सुखों की खाए उसी से रेडियस निकलेगी वही निकलेगी तो उसमें जाए मिक्स हो जाते हैं अंदर उसके अंश है और उसे मुख से आए मुक्त होगी इधर से छुटिए आना जाना था नहीं मेरा बेटा मेरी बेटी तो वापस आते हैं और जब सब जानते उठते देखे मेरे को साथ नहीं जाएगा ये तो लेने देने के लिए आडे और याद पक्की होगी सत्ता में तो जाएगा तो अज्ञान में होगी तो भागोगा इधर से कोई कुछ लगता नहीं तो वो भी कहेगी तो मैं भी सारा कुछ लगा अड़े क्यों बैठे हमारा तो उस वक्त वो बराग होता था डे की लोटा वो तम्बू एक आडे कर जाते थे और पहले भगवान का प्राण के बात हो गया अलख निरंजन यानी उसको देख जिसको के देखा नहीं जाता सोचा जा अनुभव कर ले उसका अलख निरंजन अलख को देख तो देखना तरीका क्या यहाँ बताते और वो पूरा गुरु बताएगा वो आपको अनुभव कराएगा अनुभव का मतलब डड़ी आड़ी बात आई समझ लिया पूरे सत्संग का देख क्या हुआ फिर एक और दूसरे नास्ती वो ये कह देता जैसे बाकी संकल्प बढ़ाए या आपके संकल्प बढ़ाए संकल्प में संसार है
मनुष्य जो संकल्प करा वो है, सब कुछ है मनुष्य में, शक्ति है आपके विचार में, शक्ति है। मैं नहीं चाहेगा तुम जो सोचो वही हो, ये सच्ची बात। आगे कहिए, सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।